In this video, I will show you how to create two pages creative resumes in Microsoft Word 2019 like this one. This resume consists of two pages: first one page, and the second one page. Each page consists of two columns: first one column, and the second one column. Similarly, for the next one page, first column, and the second one columns. So, how to create this resume? Let's get started. क्रिएट करें न्यू पेज बाई क्लिकिंग ऑन फाइल क्लिक न्यू सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेआउटे पर आप चले जाए यहां से साइज सेलेक्ट करें दैट इज ए फोर मार्जिन आप सेलेक्ट करें दैट इज नैरोस टॉप बॉटम ब्लैफ राइट वी जीरो पॉइंट फाइव इंच गो टू इन्प ड्रा आ रेक्टेंगल शेप हेयर गो टू प्रॉपर्टीज

इस रेक्टेंगल शेप पर मैं इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ फ्रॉम द फॉर्मेट दैट इज शेफ इफेक्ट एंड अप्लाई प्री सेट इफेक्ट गो टू इंजर टेब ड्रॉ अनदर शेप दैट इज सर्कल शेप और इसको आप यहां पर ले आए इसका साइज आप चेंज करें फ्रॉम द प्रॉपर्टीज फाइव इंच इज हाइट एंड इंच रेक्टेंगल शेप दोनों को आप सेलेक्ट करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की गो टू अलाइन एंड सेलेक्ट करें अलाइन सेंटर डुप्लीकेट दिस सर्कल शेप बाय होल्डिंग कंट्रोल की एंड ड्रैग इट। नाउ रीसाइज एंड इट ऑन द रेक्टेंगल शेप फर्स्ट वन सर्कल शेप पर आप पिक्चर ले आए सेलेक्ट करें गो टू फॉर्मेटेब शेप फिल से आप सेलेक्ट करें पिक्चर्स, पिक्चर पर आप क्लिक करें देन फ्रॉम फाइल्स और डायरेक्टरी से आप फोटो सेलेक्ट करें तो ये यह यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा फिर इसके बाद शेफ आउटलाइन से आउटलाइन आप रिमूव करें दैट इज नो आउटलाइन और शेफ इफेक्ट से इफेक्ट आप अप्लाई करें दैट इज शेडो एंड शेडो विल बी एन शेडो बैकग्राउंड सर्कल के लिए आप कलर चेंज करें फ्रॉम द फिल यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं मोर फिल कलर पर आप आ जाए यहां से रेड ग्रीन ब्लू कलर आप सेलेक्ट करें देवेंटी सेवन फॉर द रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड देन क्लिक ओके तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा इसके अलावा इसके आउटलाइन आप रिमूव करें नाउ क्रिएटिंग इन वन Rectangle shape from the insert tape, select rectangle shape. it's the height width of change carry from the size height select karate that is 0 0.80 and width will be 5.28 inches. Change the color of this rectangle shape and remove the outline from the shape outline. Right click and send it to bake. नाउ गो टू इंसर्ट टैब टेक्स्ट बॉक्स और ड्रा करें और इसके शेप फिल आप सेलेक्ट करें नो फिल शेप आउटलाइन सेलेक्ट करें नो आउटलाइन और यहाँ पर आप नेम टाइप कर सकते हैं इसके अलावा जॉब टाइटल आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें फ्रॉम द होम टेप चेंज द टेक्स्ट कलर दैट इज़ वाइट कलर इसके अलावा टाफॉन टेक्स का फोन साइज आप चेंज करें दैट इज़ ट्वेंटी एट फोन आप चेंज करें दैट इज यू बन फोन स्टाइल आप चेंज करें दैट इज़ बोल्ड और इसके अलावा इन दोनों लाइनों को आप सेलेक्ट करें गो टू लेआउट टेप एक्स्ट्रा स्पेसिंग ये आप रिमूव करें और इन टेक्स को आप सेलेक्ट करें गो टू होम टेब अलाइन करें हारिजेंटरी सेंटर इस टेक्स का कलर आप चेंज करें नाउ गो टू इंसर्ट टैब, ड्रा अ टेक्स्ट बॉक्स बिलो द फैक्चर Shape fill select करें, आउटलाइन वेल बी नो आउटलाइन और यहां पर आप टाइप कर सकते हैं कंटेक्ट इसको आप select करें, दैट इज फोर्टीन एंड फोन विल बी यू वो स्टाइल विल बी बोल्ड एंड अ टेक्स कलर विल बी वाइट इसको आप रिसाइज करें और एक लाइन आप ड्रा करें फ्रॉम द एन्व टेप गो टू शेप ड्रा अ स्ट्रेट लाइन बाय होल्डिंग शिफ्ट की और फिर इसके बाद शेप आउटलाइन से इसका कलर आप चेंज करें इसके अलावा इसका वेट भी आप चेंज कर सकते हैं दैट इज वन पॉइंट नाउ गो टू एन्जर टेप ड्रा अ सर्कल शेप इसको आप यहां अलाइन करें और इसका साइज आप चेंज करें दैट इज पॉइंट टू सिक्स इंच इज हाइट एंड पॉइंट टू सिक्स इंच बी वर्थ इसका आउटलाइन आप सेलेक्ट करें नो आउटलाइन और इसका शेप फिल कलर आप चेंज करें गो टू तो मोर फिल कलर और यहां से रेड ग्रीन ब्लू ये आप सेलेक्ट करें वन ट्वेंटी सेवन एंड देन प्रेस ओके बटन अब इसके बाद एक टेक्स बॉक्स हम ड्रा करेंगे इस सर्कल शेप के ऊपर और इसमें हम लेंगे आइकन्स दैट इज़ सोशल आइकन्स फ्रॉम द इंसर्ट टेप ड्रा या इंसर्ट करें आप सिंबल्स फ्रॉम द मोर सिंबल्स यहाँ से लोकेशन सिंबल मैं लेना चाहता हूँ इसको आप इंसर्ट करें और फिर इसके बाद होम टेप से फोन साइज आप चेंज करें दैट इज़ नाइन और फ्रॉम द फॉर्मेट टेप इसका लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन टॉप एंड बॉटम मार्जिन ये आप जीरो सेलेक्ट करें और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप रिसाइज करें फ्रॉम द शेप फिल सेलेक्ट करें नो फिल शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन और इसका कलर आप चेंज करें फ्रॉम द होम टेप दैट इज़ वाइट कलर और इसको आप अलाइन करें हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑन दिस सर्कल शेप नाव गो टू इज अवर टेप ड्रा इन अदर वन टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हम टाइप करेंगे लोकेशन यहाँ पर एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं फिर बाद में इसका साइज कलर वगैरह ये आप चेंज करें शेप फिल और शेप आउट लाइन में सेलेक्ट करता हूँ नो no. और शेप स्टाइल से इसके प्रॉपर्टी में चेंज करता हूँ देट इज लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन एंड टॉप बॉटम मार्जिन वेल बी जीरो फ्राम द होम टेप सेलेक्ट फोन साइज दैट इज टेन अगेन इसको आप सेलेक्ट करें और यहां से टेक्स साइज आप चेंज करें और यहां से फोन साइज और फोन भी आप चेंज कर सकते हैं इसको आप एडजस्ट करें टू द राइट साइड ऑफ दिस शेप इसका कलर चेंज करें वाइट बाई यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ देन गो टू फॉर्मेटेब और इसको आप ग्रुप करें ग्रुप करने के बाद इसको वन बाय वन में कापी करता हूँ बाई होल्डिंग कंट्रोल की कंट्रोल की आप होल्ड रखें और इसको आप ड्रेक करें नीचे की तरफ मोर देन वन कापी आप ले लें और फिर इसके बाद हर एक आइकन को आप चेंज करें फ्राम द इन्जॉर टेब गो टू सिंबल और इसके सामने एड्रेस आप चेंज करें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने फ़ोन आइकन इंसर्ट किया तो इसके सामने मैंने फ़ोन लगा लिया ठीक है इसके अलावा आप जी मेल और ट्विटर अकाउंट लैंड लें फेसबुक और इसके अलावा स्काइप एड्रेस ये आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और इसके रिलेटेड जितने भी आइकन्स है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं मैन हेडिंग आप कॉपी करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की और इसको आप रीनेम करें करेज स्किल्स यहाँ पर अभी मैं स्किल क्रिएट करना चाहता हूँ गो टू शेप और यहां से एक रेक्टेंगल शेप में क्रिएट करना चाहता हूं यहां पर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली एक सर्कल एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट हो जाएगा देन फ्रॉम द साइज यहां से हाइट एंड वेथ आप चेंज करें दैट इज पॉइंट थर्टीन इंच हाइट एंड वन पॉइंट सेवन इंच वेल बी वेथ इसके शेप फिल कलर और शेप आउटलाइन ये आप चेंज करें इसको थोड़ा सा री करें टेक्स बॉक्स में इंसर्ट करना चाहता हूं इसके ऊपर मैं टेक्स्ट uh, टाइप करना चाहता हूं दैट इज स्किल्स फर्स्ट वन स्किल्स विल बी एस ई मैं टैप करता हूं और इस टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी पे मैं चलता हूं यहां से इसके मार्जिन में जीरो सेलेक्ट करता हूं दैट इज लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन ये आप जीरो सेलेक्ट करें इसके अलावा इसको आप कन्वर्ट करें अपर केस में फ्रॉम द चेंज केस बॉक्स का शेप फिल और शेप आउटलाइन आप सेलेक्ट करें नो फिल एंड नो आउटलाइन और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं वाइट कलर फ्रॉम द होम टेप इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करें इसके अलावा इस प्रोग्रेस बार को मैं चेंज करता हूं इसका शेप फिल कलर मैं सेलेक्ट करता हूं दिस वन और इसका आउटलाइन मैं सेलेक्ट करता हूँ नो आउटलाइन अगेन बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसकी copy एक ले लें और बॉटम वन जो रेक्टेंगल शेप है इसका शेप फिल कलर आप चेंज करें यहाँ से जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें जो स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से वो स्टाइल आप सेलेक्ट करें फिर इसके बाद टॉप वन रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा रिड्यूस करें और इसको आप एडजस्ट करें हार्ट एंड वर्टिकली सेंटर दोनों रेक्टेंगल शेप को आप सेलेक्ट करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की और यहां से इसको आप ग्रुप करें सिमिलरली द टेक्स्ट इन दोनों को आप ग्रुप करें नाउ बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसकी कॉपी मैं लेता हूँ ड्रैग इट डाउन तो इसके मोर इन वन कॉपीज बन जाएंगे इसके अलावा स्किल्स आप चेंज करें और साथ साथ आप प्रोग्रेस बार भी चेंज करें ठीक है स्किल्स को मैं कॉपी करना चाहता हूं इस हेडिंग को मैं रीनेम करूंगा यहां पर मैं टाइप करना चाहता हूं सॉफ्टवेयर स्किल्स अपर केस में आप लिखना चाहें या लोअर केस में आप लिखना चाहें जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहें आप यहां से वो स्टाइल अप्लाई करें ठीक है मैं अपर केस में लिखना चाहता हूं सॉफ्टवेयर स्किल यही सेम स्किल्स होंगे ठीक है इसको ये स्टाइल मैं कॉपी करता हूं और इसका जो मैन है ये मैं चेंज करूंगा फॉर द सॉफ्टवेयर नेम यहां पर मैं टाइप करना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल एडोबी इलिस्ट्रेटर इस टेक्स बॉक्स को आप थोड़ा सा रीसाइज करें अगेन इसकी काफ़ी आप ले होल्डिंग कंट्रोल की सेकंड वन थर्ड वन एंड फोर्थ वन इसको आप सेलेक्ट करें और इसको आप अलाइन करें अलाइन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली सेकंड वन स्केल्स को आप रीनेम करें टाइप करें डोबी फोटोशॉप नेक्स्ट वन इज आप दैट इज टू और द लास्ट वन स्केल जो है ये है वर्फ्रेश एंड रूपल इस रेक्टेंगल शेप को मैंने कॉपी किया बाय होल्डिंग कंट्रोल की या आप प्रेस करें कंट्रोल सी और यहाँ पर आप क्लिक करें बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी इसको आप पेस करें दिस इज़ द सेकेंड नंबर फेज ऑफ द रिज्यूमे और यहाँ पर मैं इस मेन हेडिंग को कॉपी करना चाहता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको आप ड्रैग करें नीचे की तरफ और इसको आप प्रॉपरली अलाइन करें टू तो तो द लेफ्ट हैंड टॉप साइड ऑफ द पेज और इसको आप रीनेम करें यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन आप मेंशन कर सकते हैं नाउ गो टू इंसर्ट टेप ड्रा इन अदर वन टेक्स बॉक्स इसको आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं उटलाइन विल बी नो आउट लाइन फ्रॉम द होम टेप चेंज दलर द्व कलर और यहां पर आप टाइप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आप टाइप करें फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रॉम टू थाउजेंड नाइनटीन टू प्रेजेंट एस एक्स बॉक्स को आप रिसाइज करें नाव बाई होल्डिंग कंट्रोल की इसकी कॉपी जो आप ले लें और इसके प्रॉपर्टी पे आप चले जाएँ इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन आप ज़ीरो सेलेक्ट करें या सिर्फ लेफ्ट मार्जिन आप ज़ीरो सेलेक्ट करें अगेन इसको आप ड्रैग करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसकी कॉपीज जो आप ले लें फॉर एडिंग एन अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड वन थर्ड वन ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद मैन हेडिंग को आप सेलेक्ट करें इसको आप कॉपी करें अगेन इसको आप रिसाइज करें फॉर द हॉनर एंड अवॉर्ड्स यहाँ पर आप अवार्ड मैंशन कर सकते हैं तो टाफ को मैंने कापी किया और इसको मैं रीनेम करता हूँ फॉर द फर्स्ट वन अवॉर्ड दैट इज सेल्स इंडिविजअल एंड बिजनेस डिवलपमेंट एवॉर्ड इसका डेट आप चेंज करें दैट इज टू थाउजेंड नाइनटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी द सेकेंड वन एंड थर्ड वन एंड द फोर्थ वन ये आप ऐड करें फिर इसके बाद अगेन हेडिंग को आप सेलेक्ट करें और इसको आप कॉपी करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की अवार्ड्स के बाद नेक्स्ट वन जो हेडिंग है ये है हॉबीज एंड इंटरेस्ट ये भी आप टाइप कर सकते हैं हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट अगर आप सिर्फ हॉबीज़ टाइप करें तो हॉबीज़ टाइप करें अगर आप हॉबीज़ एंड एंट्रस्ट टाइप करना चाहें तो ये आप टाइप कर सकते हैं सर्कल शेप आप क्रिएट करें इसका हाइट आप चेंज करें दैट इज पॉइंट थ्री फोर इंच विथ इसके अलावा इसका जो आउटलाइन है ये आप सेलेक्ट करें नो आउटलाइन शेप लाइट ग्रे कलर इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स में लेना चाहता हूँ गो टू बॉक्स और ड्रा करें क्लिक ऑन ड्रा टेक्स्ट बॉक्स और यहां पर इसको आप ड्रा कर सकते हैं इसमें होबीज के जितने भी आइकन्स है ये यहां पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इस टेक्स बॉक्स का जो शेप स्टाइल प्रॉपर्टीज है मींस लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन टॉप एंड बॉटम ये आप जीरो सेलेक्ट करें शेप फिल एंड शेप आउटलाइन नो फिल एंड नो आउटलाइन सेलेक्ट करें फिर इसके बाद इसमें आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं फर्स्ट वन सिंबल विल बी म्यूजिक सिंबल ये आप यहां से ले सकते हैं इसका कलर आप चेंज करें सेलेक्ट करें गो टू तो होम टेप और यहां से कलर आप सेलेक्ट करें व्हाइट कलर और इसको आप अलाइन करें हार्टिकली सेंडर सर्कल शेप और इसके सामने आप ओ, एक और टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं फर्स्ट इसको आप ग्रुप सेलेक्ट करें नाउ टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द एजेप और इसके सामने इसको आप ड्रॉ करें टेक्स बॉक्स पे प्रॉपर्टी पे आप चले जाएं यहां से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वर्जन आप जीरो सेलेक्ट करें और फिर इसके बाद इसमें आप टाइप कर सकते हैं फर्स्ट वन शेप सेलेक्ट करें नो फिल शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन टेक्स्ट कलर विल बी लाइट ग्रे कलर और वाइट कलर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं लाइट ग्रे कलर आप सेलेक्ट करें और यहां पर फर्स्ट वन हॉबीज आप टाइप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक इसको आप प्रॉपरली अलाइन करें रिसाइज करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की इन दोनों को आप ड्रैग करें टू द राइट साइड ऑफ द पेज और यहाँ पर सेकेंड वन हॉबीज जो है मूवी आप टाइप करें इसके अलावा स्पोर्ट रेड एंड इंटरनेट तो ये इंटरेस्ट हो जाएंगे ठीक है फिर इसके बाद इस हेडिंग को आप कॉपी करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको आप ड्रैग करें नीचे की तरफ और इस हेडिंग को आप रीनेम करें यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं लैंग्वेजेस अब यहाँ पर हम वन बाय वन लैंग्वेज टाइप करेंगे तो इसके लिए मैं एक स्टाइल लेना चाहता हूँ दिस वन स्टाइल इसको मैं कॉपी करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी और रिक्वायर्ड वन एरिया पर आप आ जाए यहाँ पर प्रेस करें कंट्रोल प्लस वी तो ये यह यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा इसको आप ड्रैग करें लैंग्वेज इसके नीचे फर्स्ट वन लैंग्वेज को आप रीनेम करें दैट इज इंग्लिश अपर केस में आप लिखना चाहें या लोअर केस में या पर आप इसको आप टाइप कर सकते हैं अगेन इसको आप कॉपी करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की फॉर द सेकेंड वन थर्ड वन एंड फोर्थ वन लैंग्वेज सेकेंड वन विल बी फ्रेंच एंड द थर्ड वन विल बी स्पेनिश एंड द लास्ट वन विल बी उर्दू लैंग्वेज ठीक है इन चारों को आप सेलेक्ट करें गो टू फॉर्मेट फॉर्मेटिप देन गो टू अलाइन अलाइंटिप और यहाँ से आप सेलेक्ट करें डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली तो ये प्रॉपरली अरेंज हो जाएगा वर्टिकली नाउ इस लैंग्वेज हेडिंग को मैं कॉपी करता हूं बाय होल्डिंग कंट्रोल की यहां पर मैं टाइप करना चाहता हूँ रेफरेंसेस और यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स आप ले लें और यहां पर आप टाइप कर सकते हैं शेफ शेप आउटलाइन वेल बी नो आउटलाइन और यहां पर टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं अवेलेबल ऑन डिमांड या जो भी आपकी मर्जी आप यहां पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं ठीक है इसका कलर आप चेंज करें नाउ क्रिएटिंग द राइट कॉलम आप दिस रिज्यूम है इस टेक्स बॉक्स को आप कॉपी करें इसका टेक्स कलर आप चेंज करें और इसके अलावा इसको आप रीनेम कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट फॉर हेडिंग ऑफ द राइट कॉलम दैट इज अबाउट मी और लाइन को आप एक्सटेंड करें टू द राइट साइड यहाँ से वेट तो आप चेंज कर सकते हैं नाउ गो टू इ टेक्स बॉक्स और ड्रा करें यहां पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट मी आप टाइप कर सकते हैं बॉक्स प्रॉपरली अरेंज करें टू द राइट साइड ऑफ द पेज और यहां से शेप साइड से आप सेलेक्ट करें लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन टॉप बॉटम मार्जिन जीरो यहां पर मैं टाइप करना चाहता हूं अबाउट मी दैट इज प्रोफेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या आप टाइप कर सकते हैं प्रोफेशनल बिजनेस डिवेलपर विद मोर देन फाइव इयर्स एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉमा मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एस टेक्स बॉक्स को आप रिसाइज करें और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको आप जस्टिफाई करें फ्रॉम द फॉर्मेट टेप शेफ फेल सेलेक्ट करें नो फेल कलर शेफ आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन। राइट क्लिक एंड रिमूव द ग्रामेटिकल एरर। नाउ, बाय होल्डिंग कंट्रोल की इस हेडिंग को आप कॉपी करें और इसको आप रीनेम करें फॉर द वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस रीसाइज दिस टेक्स बॉक्स और इसके अलावा इस हेडिंग के लेफ्ट साइड पे एक सर्कल शेप आप क्रिएट करें इसका हाइट आप चेंज करें फॉइंट थ्री इंचिस एंड वर्थ बी आल्सो फॉइंट थ्री आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन शेप फिल विल बी लाइट ग्रे कलर ये आप सेलेक्ट करें अब इसके ऊपर मैं आइकन लगाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स लूँगा बाय होल्डिंग कंट्रोल की एंड स्क्रोल की पेज को आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑन दिस सर्कल शेप और यहाँ पर मैं आइकन इंसर्ट करूँगा लेकिन सबसे पहले इसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वर्जन आप ज़ीरो सेलेक्ट करें फ्रॉम द शेप स्टाइल और शेप फिल से इसका फिल कलर सेलेक्ट करें नो फिल आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन देन गो टू इन टेप सेलेक्ट सिंबल और सिंबल में से ब्रीफ के सिम्बल आप इन्जर्ट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने इन्जर्ट किया हुआ है तो ये आप इन्जर्ट कर सकते हैं ऑल दी सिंबल विल बी अवेलेबल इन फॉन्ट ऑसम फॉन्ट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वीडियो डिस्क्रिप्शन इसका कलर आप चेंज करें वाइट कलर या लाइट ग्रे कलर आप चेंज करें और इसको आप अलाइन करें प्रॉपरली दिस सर्कल शेप फ्रॉम द इसको आप ग्रुप करें नाउ ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द टेब बाय प्रेसिंग और होल्डिंग शिफ्ट की टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइन की आउटलाइन आप चेंज करें इसका कलर आप चेंज करें और इसका वेट चेंज करें फ्रॉम द शेप आउटलाइन दैट इज वन पॉइंट इसका हाइट आप चेंज करें 3.3 पॉइंट थ्री यूजिंग एरो की इसको प्रॉपरली आप एडजस्ट करें नाउ ड्रा एन अदर वन सर्कल शेप ऑन द टॉप ऑफ दिस लाइन यहाँ पर क्लिक करें हाइट यहाँ से आप चेंज करें दैट इज़ पॉइंट फिफ्टीन इंच वेल बी हाइट एंड पॉइंट फिफ्टीन इंच वेल बी विथ। इसका शेप फिल कलर आप सेलेक्ट करें वाइट कलर और आउटलाइन वेल बी लाइट ग्रे कलर ये आप सेलेक्ट करें और यहां पर इसको आप प्रॉपरली एडजस्ट करें सर्कल शेप और लाइन को आप सेलेक्ट करें अलाइन टॉप आप सेलेक्ट करें और फिर इसके बाद अलाइन सेंटर सेलेक्ट करें ताकि ये प्रॉपरली अलाइन हो जाए हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर अब इसके बाद एड टेक्स बॉक्स में इंसर्ट करना चाहता हूं यहां पर इसको मैं इंसर्ट करूंगा और यहाँ पर मैं टाइटल लिखूँगा दैट इज़ मैनेजर एज ए वर्किंग एक्सपीरियंस और टेक्स्ट बॉक्स के शेप स्टाइल पर आप चले जाएँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन आप ज़ीरो सेलेक्ट करें अगेन इसके एक कापी आप ले लें यहाँ पर मैं डेट टाइप करूँगा आप टाइप कर सकते हैं डेट और इसका साइज आप चेंज करें दैट इज़ एट और यहाँ से फ़ोन कलर आप चेंज करें टाइप करें 2010 थाउजेंड टू टू दोनों टेक्स्ट बॉक्स के आउटलाइन और शे फिल ये आप सेलेक्ट करें नो फिल एंड नो आउटलाइन इसका फोन आप चेंज करें यू हो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी करता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की और यहाँ पर मैं ब्रीफ़ डिस्क्रिप्शन टाइप करूँगा ऑर्गेनाइजेशन नेम मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है एज ए मैनेजर फ्राम टू थाउजेंड टेन टू टू थाउजेंड फोर्टीन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइप करना चाहता हूँ एयर स्टेट सोलूशन न्यू यू एस ए और इसके अलावा इस टेक्स बॉक्स को मैंने कापी किया इसको मैं रीसाइज करता हूँ और प्रॉपरली इसको आप अलाइन करें टू द रट साइड आप देज इस टेक्स बॉक्स को आप सेलेक्ट करें और यहाँ से फोन आप चेंज करें कैलेबरी लाइट और फोन कलर आप चेंज करें लाइट ग्रे कलर या पर आप टाइप कर सकते हैं एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्राम टू थाउजेंड टेन टू टू थाउजेंड फोरटीन दिस वेल बी डिवेलप एंड एम्प्लीमेंटेड न्यू मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान एंड द स्ट्रेटी फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर सो दिस वन इज़ द फर्स्ट वन नेक्स्ट वन थर्ड वन फोर्थ वन ये भी आप यहाँ पर काफ़ी कर सकते हैं और इसको आप रीनेम कर सकते हैं ठीक है सो तो ये फर्स्ट वन एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वन के लिए मैं इस सर्कल शेप को कॉपी करता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको आप ड्रैग करें नीचे की तरफ और यहाँ पर प्रॉपरली इसको आप अलाइन करें और इसके सामने आप जॉब टाइटल ये आप कॉपी करें और इसके साथ साथ डेट भी आप कॉपी करें और इसको आप री कर सकते हैं बाई यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको आप ड्रैग करें नीचे की तरफ बाय होल्डिंग कंट्रोल की और यहाँ पर इसको आप अलाइन कर सकते हैं मैनेजर को आप रीनेम करें फॉर द सेकेंड वन एक्सपीरियंस दैट इज़ असिस्टेंट तो इसको आप सेलेक्ट करें और रीनेम करें फॉर द नेक्स्ट वन एक्सपीरियंस दिस वेल बी फ्रॉम 2014 टू 2018 ये आप टाइप करें या 2019 आप टाइप करें एज As असिस्टेंट आपका एक्सपीरियंस पीरियड आप टाइप कर सकते हैं इस मेन हेडिंग को आप कॉपी करें सेम स्टाइल आप कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पर सेम स्टाइल आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम आप कॉपी करें और इसको नेम करें फॉर दिकेंड वन यहाँ से न्यूयॉर्क में चेंज करता हूँ दैट इज़ शिकागो यू ना कापी डिस्टेक्स बॉक्स और यहाँ पर सेकेंड वन एक्सपीरियंस जो है ये मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ फार द टू थाउजेंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड नाइनटीन यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करना चाहता हूँ इंक्रीज द कस्टमर सेटिसफेक्शन देट इज़ थर्टी फर्सेंट बाई इम्प्रूविंग द कस्टमर सर्विसज़ और इसके अलावा और भी अगर आपके एक्सपीरियंस हैं जितने भी अचीवमेंट्स आपके हैं वो आप यहाँ पर वन बाई वन एड कर सकते हैं

और साथ स्पेक्चर इस ऑब्जेक्ट इस को मैं कॉपी करता हूं प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी और सेकेंड वन पेज पर आप चले जाएं यहां पर क्लिक करें प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी इसको आप पेस करें और यहां पर प्रॉपरली इसको आप अलाइन करें ऑन द टॉप ऑफ द पेज और यहां पर मैं टाइप करूंगा एजुकेशन अटेंडमेंट आप कंप्लीट एजुकेशन इस सेकेंड पेज पे टाइप कर सकते हैं वन बाय वन ठीक है तो इस टेक्स को आप रीनेम करें और जहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं एजुकेशन या एजुकेशन अटैंडमेंट भी आप टाइप कर सकते हैं इस टेक्सट बॉक्स को आप रिसाइज करें ताकि ये टेक्स्ट विजिबल हो और इस आइकन को आप चेंज करें फ्रॉम द इंसर्ट यहाँ से मोर सिंबल आप सेलेक्ट करें और यहाँ से इस्केप सिंबल को आप सिलेक्ट करें और इसको आप प्रॉपरली अलाइन करें ऑन द सर्कल शेप और फिर इसके बाद वही सेम स्टाइल लाइन एंड सर्कल शेप ये आप कॉपी करें प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी और इसको आप यहां पर ले आए इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें और फॉर्मेट टेप पर चले जाएं। यहां से अलाइन करें इसको सेंटर फिर इसके बाद बाई यूजिंग एरो कीज इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले आए एक्सपीरियंस का सेम स्टाइल मैं यूज करूँगा यहां से इस टाइटल को मैं सिलेक्ट करूंगा बाय यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इसको आप सेलेक्ट करें एंड देन बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी इसको आप कॉपी करें और यहां पर इसको आप पेस्ट करें बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी इसको आप अलाइन करें प्रॉपरली फॉर्मेट टैब से इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स का शेप फिल कलर कर सिलेक्ट करें नो फिल और इस टाइटल को आप चेंज करें फॉर फर्स्ट वन डिग्री दैट इज़ एम सी एस अपर केस में आप टाइप करें लोअर केस में अगर आप टाइप करना चाहें आपकी मर्ज़ी यहाँ से डेट आप चेंज करें, करें दैट इज़ 2006 टू तो 2008 और फिर इसके बाद इसके सामने यूनिवर्सिटी नेम शो होना चाहिए तो इसके लिए मैं इस स्टाइल को सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं कॉपी करूंगा या बाय प्रेसिंग कंट्रोल की इसको आप ड्रैग करें नीचे की तरफ मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूं बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी और इसको आप अलाइन करें टू द राइट साइड ऑफ दिस टेक्स नाउ चेंज द फर्स्ट वन हेडिंग फॉर द यूनिवर्सिटी नेम यहां पर आप टाइप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी नेम और यहां पर आप टाइप कर सकते हैं सब्जेक्ट दैट वी हैव स्टडीड इन द एम सी एस यहां पर ये मैं टाइप करता हूं वन बाय वन फर्स्ट वन इज डेटा बेस सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट वन इज डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एंड सिमिलरली द नेक्स्ट वन इसी तरह नेक्स्ट वन डिग्री के लिए मैं वही सेम स्टाइल कॉपी करूंगा बाय होल्डिंग कंट्रोल की इस लेवल को मैं कॉपी करता हूं सिमिलरली द डेट वन लेवल फर्स्ट वन को मैं चेंज करता हूं फॉर द नेक्स्ट वन डिग्री दैट इज बी सी एस डेट वेल्व टू थाउजेंड फोर टू टू थाउजेंड सिक्स और इसी तरह यूनिवर्सिटी नेम एंड सब्जेक्ट ये आप यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ से लाइन हाइट आप चेंज कर सकते हैं अगेन यहाँ पर इस लेवल को मैं कॉपी करता हूँ और इसी तरह डेट को यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ नेक्स्ट वन डिग्री दैट इज़ बीबीए और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आप टाइप कर सकते हैं वन बाय वन यूनिवर्सिटी नेम विल बी सेम ठीक है डिग्री विल बी डिफरेंट फर्स्ट वन इज़ एमसीएस सेकंड वन इज़ बी एंड थेल बी 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 ए यहाँ पर आप सब्जेक्ट मैंशन कर सकते हैं वन बाय वन इसको आप टाइप टाइप कर सकते हैं एजुकेशन इज कंप्लीटिड नाउ बाई काफिंग दिस लेवल बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको आप कॉपी करें इसको आप नेम कर सकते हैं फॉर द अचीवमेंट्स इस ऑब्जेक्ट को भी आप कॉपी करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको आप करें नीचे की तरफ और अचीवमेंट के लेफ्ट साइड पर इसको आप अलाइन करें प्रॉपरली इस आइकन को आप चेंज करें गो टू इंसर्ट टेप सिलेक्ट सिंबल और सिंबल से आप अचीवमेंट सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक ऑन इंजर्ट एंड देन क्लोज और इसको प्रॉपरली आप अलाइन कर सकते हैं ऑन दिस सर्कल शेप नाउ बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर फॉर द एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट सेम स्टाइल में कॉपी करता हूँ that I created to the created in the right side column और यहाँ for first one achievement मैं टाइप करना चाहता हूँ as a manager इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी करता हूं बाय होल्डिंग कंट्रोल की और इसको मैं रिसाइज करता हूं टू द राइट साइड ऑफ दिस पेज गो टू बुलेट्स स्टाइल ऑफ सेलेक्ट करें बुलेट्स का इस टेक्स बॉक्स को थोड़ा सा रिसाइज करें और इसको प्रॉपरली अलाइन करें और यहाँ पर फर्स्ट वन एज ए मैनेजर आप टाइप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं टाइप करना चाहता हूं सक्सेसफुली मैनेज टू टू थ्री मिलियंस बजट प्रोजेक्ट एस टेक्स बॉक्स को थोड़ा सा रिसाइज करें तो टेक्स आपको अवेलेबल हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं और यहां से फ़ॉन्ट आप चेंज करें कैलवरी लाइट और इसको आप जस्टिफाई करें सेकेंड वाला अचीवमेंट आप ऐड करें और ये भी एज ए मैनेजर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं एंड द नेक्स्ट वन विल बी एज ए असिस्टेंट ठीक है नाउ ना द लेबल नेक्स्ट वन हेडिंग और इसको मैं रीनेम करता हूँ फॉर द सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स एन एक्टिविटी अगर आपकी है तो आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं ठीक है मैं इस आपको यहाँ पर एजे एग्जांपल ये शो करना चाहता हूँ कि आप टू पेजेस रिज्यूम अगर क्रिएट करना चाहें तो उसमें कौन कौन से मेन हेडिंग होने चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादातर यूज़फुल हो तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं तो लास्ट वन जो मैंने हेडिंग लिया है ये है सर्टिफिकेट्स कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है जो आपने किए हैं वो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं वही सेम स्टाइल जो मैंने एक्सपीरियंस के लिए या एजुकेशन के लिए या अचीवमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया था वही सेम स्टाइल मैं सर्टिफिकेट के लिए भी लेता हूँ यहाँ पर मैंने सर्कल लिया लाइन लिया ठीक है और ये मैंने लेफ्ट साइड पर अरेंज किया अब इसमें मैं फ़र्स्ट वन सर्टिफिकेट की मेंशन uh, करना चाहता हूँ दैट इज़ वेब डेवलपमेंट थ्रू ड्रूपल एंड वर्डप्रेस और इसके साथ साथ इसके नीचे अपडेट मेंशन कर सकते हैं कि ये कौन से डेट से कौन से डेट तक है फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट वन इज़ 2007 थाउजेंड टू टू और इसी तरह सेकेंड वन सर्टिफिकेट भी आप मैंशन कर सकते हैं इस लाइन को आप रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मेट टेप यहाँ से हाइट आप चेंज करें और फिर इसके बाद सेकेंड वन सर्टिफिकेट का जो टाइटल है ये आप चेंज करें दैट इज़ श ग्राफिक डिजाइनर थ्रू एडोबी एलस्ट्रेटर एंड पोटोशॉप ये आप मैंशन करें और भी अगर आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो वन बाय वन इसको आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं ठीक है और इसके साथ साथ इसका जो डेट है ये भी आप टाइप कर सकते हैं बिलो दिस टाइटल तो इस डेट को मैं कापी करता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की और यहां से मैं डेट चेंज करता हूं 2009 थाउजेंड टू टू व्यूअर इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट टू पेजेस क्रिएटिव रिज्यूम इन माइक्रोसॉफ्ट 2019 थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो